हेलो सबको, गुड मॉर्निंग और प्यार भरा नमस्ते। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और उर्मिला जोशी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आ गई हूँ छत में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत जो है छत से हो रही है और 7:30 बज चुके हैं शायद। और छत की हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो पूरी नीचे सफाई चली रही है काफ़ी दिनों से। तो मैंने सोचा कि चलो आज छत से शुरू कर लेते हैं। आज जो है सब लोगों को लगा दूँगी साथ में। और छत भी काफ़ी गंदी हो रही है, अभी परसों तो करी थी एक दिन लेकिन फिर गंदी हो गई। और ये देखो टमाटर के पौध लगा रखे थे साथ में, टमाटर के पौध हो गई हमारी और फूल भी काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं। ये देखो अच्छे लग रहे हैं। और ये इधर सामने देखो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं फूल फाल। और लहसुन भी लगा रखा है, सांस लगा के चली गई थी लहसुन वगैरह। ये देखो लहसुन भी हो रहा है इसमें, और ये पुदीना हो रहा है, और ये मिर्च हो रही है, ये सब हो रहा है यहाँ पे। सही हो रहा है, फूल वगैरह भी अच्छे हो रहे हैं। तो करते हैं थोड़ा सा सफाई। और कल मैंने रात को ना सारे पेंट कर दिए थे, मतलब थोड़ा बहुत पेंट बचा हुआ था जो, तो मैंने गमलों में लगा दिया अपने। तो इसमें एक ये लगा दिया, एक इसमें कर दिया, जैसे एक ये वाला है, एक उधर रखे हैं दो, इसमें कर दिया है, और एक छोटा छोटा सा इधर भी कर दिया है, ये इसमें भी कर दिया एक छोटा सा, और एक छोटा सा इसमें भी कर दिया है। तो जो बचा हुआ पेंट था मैंने थोड़ा इसमें लगा दिया गमलों में, तो सही हो रहा है, वैसे निकल नहीं रहा है। तो ये जो ज़्यादा गंदे थे ना गमले, उनमें लगाया मैंने, तो देखो निकल नहीं रहा है, मतलब काफ़ी ठीक है पेंट इधर। बाकी गमले वाला पेंट बाद में लाऊंगी, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा है। दिवाली की सफाई में घर की ही सफाई नहीं हो रही है, तो ये बाहर की गमले वमले की बाद में करूँगी मैं अच्छे से। तो बस झाड़ू लग चुका है, सारा सामान अब अंदर का करूँगी साफ। झाड़ू तो यहाँ पर कर दिया मैंने अभी, तो यहाँ पर बाद में धुलाई करेंगे। अब रह गया यहाँ अंदर का, तो यहाँ भी देखो कैसे हो रहा है पूरा। इसको भी सफाई कर लेती हूँ थोड़ा, यहाँ भी सफाई करूँगी, सारा ऊपर का भी करूँगी, ये जाले वाले अब करती हूँ। सूरज की वीडियो कॉल आ रही थी तो वो देखने चली, नीचे चली गई थी, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे थे थोड़ा, तो उसी के भी उसके भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो नीचे गई थी। तुंगनाथ की चढ़ाई चढ़ रहा है वो अभी, तो आज पूरा वहाँ घूमेंगे वो लोग, फिर कल वापस आएगा, कल शाम तक ही आ पाएगा वापस, मानता है नहीं है। अपनी जिद करते हैं बच्चे लोग, अपनी जिद पे चले जाते हैं। मैंने बोला था, मैंने कहा मौसम ऐसी हो रहा है, त्यौहार का टाइम अलग है, अभी मत जा, लेकिन अपनी जिद करते हैं बच्चे लोग और फिर भी चला गया है। तो माँ बाप की तो सुनते नहीं है बच्चे आजकल। हमने कहा जाओ भाई, फिर क्या करें, फिर जब नहीं सुननी है तुमने तो, ऐसी है। काम का टाइम अलग हो रखा था है ना, उसके बगैर अभी काफ़ी काम रुक गए हैं। लड़ियाँ नहीं लगी, नहीं तो लड़ियाँ वगैरह लगा देता वो, काफ़ी सारे काम रुक गए हमारे। चलो, और ये पुराने सोफे की गद्दियाँ कब से रखी हुई है, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ इनका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बन सकता है इसका। ऐसी की ऐसी रखी हुई है, दो एक साल हो गए इसको रखे हुए, अब सोच रहे फेंक ही दूँ बेकार में है ना। थोड़ी ये रुई हैं गद्दे वद्दे, वो तकिए तुकिए ख़राब हो गए थे, वो कर दिया मैंने, अब सबको एक साथ कर लेती हूँ, उसमें डाल देती हूँ इनको भी।
और अब हो गया नाश्ते का टाइम और हम लोगों को लग चुकी है भूख, तो बनाते हैं थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता और उसके बाद करूँगी और आगे का काम। और अभी नहाना धोना कुछ भी नहीं हो रखा है क्योंकि अभी सारा पोछा वोछा सब लगाना है, ऊपर से तो सब लगा चुकी मैं सीढ़ियों से, बस कमरों में रह गया और यहाँ पार्किंग में बाहर रह गया, बाकी हो गया है। अब बनाते हैं नाश्ता, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं फिर दोबारा काम पे लगेंगे। और आज बनाएंगे हम पोहा, पोहा बना लेती हूँ आज। चलो देखते हैं, बस जी मैंने सोचा थोड़ा पोहा बना लेती हूँ, हल्का फुल्का नाश्ता बना लेती हूँ। तो ये पोहा का पैकेट रखा हुआ था तो बस इसको थोड़ा सा छन्नी में धो लेती हूँ मैं, और हल्का सा मतलब फटाफट से धो लेंगे नहीं तो ये मैश हो जाएगा नहीं तो वैसे। और धो धा के रख दिया मैंने। उसके बाद मूँगफली रखी हुई थी, कच्ची मूँगफली ला के रखती हूँ मैं क्योंकि मैं चटनी बनाती रहती हूँ, तो थोड़ी मूँगफली थी उनको भून लेती हूँ मैंने कहा इसमें डालने के लिए, तो भुनी हुई मूँगफली थी नहीं तो मैंने कहा इसको भून लेती हूँ। बस ये मूँगफली भून रही हूँ हल्के से, उसमें रिफाइंड तेल डाल दिया है। और उसके बाद ये कड़ी पत्ते भी निकाल लूँगी अच्छे से भून भान के, इनको अच्छे से क्रंची से हो जाते हैं ये, बहुत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब कड़ी पत्ता हर चीज़ में डाल दो कड़ी पत्ता ना, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और एक तरफ बन रही है चाय तो बस ये कड़ी पत्ते धो रखे थे तो मतलब मुँह में छींटे आने का डर था तो मैंने दूर से ही डाल दिया फटाफट से। बस उसके बाद प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा कड़ी पत्ते निकाल दिए हैं, थोड़ा इसी में रख दिए हैं, थोड़ा सा जो है ना मैं ये चूरा बना के डालूँगी इसमें, तो मतलब इनको अच्छे से चूरा सा बना दूँगी। ये देखो ऐसे चूरा हो जाता है इसका, अभी गर्म हो रहे हैं काफ़ी ये और मूँगफली भी हैं। उसके बाद बस टमाटर प्याज व्याज मिर्च मसाले सब डाल डूल के और बना रही हूँ। मुझे इतना अच्छे से तो नहीं आता है, बस कभी कभी बनाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। बस उसके बाद ये थोड़ा मसाला अच्छे से बन गया। अब ये पोहा जो धुला हुआ था अच्छे से इसका पानी वानी सब निकल गया और अच्छा सा ये मतलब एकदम फरफरा सा हो गया, अच्छा हो गया। तो बस पोहा डाल दिया, बस उसके बाद अच्छे से हिला दिया। और उसके बाद जो मूँगफली वगैरह भुन रखी है वो आपका काफ़ी लोग इसमें ड्राई फ्रूट भी डालते हैं जैसे कि काजू हो गए, बादाम हो गए, मतलब इस तरह से भी डालते हैं काफ़ी लोग, थोड़ा सा किशमिश भी डालते हैं मैंने देखा है ना, खाया मैंने कहीं तो देखा था मैंने, तो मतलब वो तो नहीं डालूंगी मैं बस खाली मूँगफली डाल दिए और कड़ी पत्ता वगैरह डाल दिया। उसके बाद चाय बन गई है, चाय छान दूँगी थोड़ा सा, हम इसमें छान लेती हूँ और कप वगैरह ले जाके अब करेंगे हम लोग नाश्ता। तो आप लोग भी आ जाओ पोहा खाने के लिए, कभी कभी अच्छा लगता है वैसे अलग से नाश्ता। तो ये बन चुका है, देखो कितना अच्छा बना है ना, एकदम फरफरा सा बना हुआ है। तो बच्चे कहते हैं मेरे मम्मी चावल भी ऐसे बनाया करो, लेकिन आज मैं ना ऐसे चावल मेरे गले में अटकते हैं तो थोड़ा मेरे को चावल तो गीले ही अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन पोहा जो है ये थोड़ा फरफरा सा बना है अच्छा लगता है फरफरा ही। चलो बन गया है ये फरफरा, मतलब एकदम से अलग अलग हो रखा है। तो बस ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, नमकीन भी लेके आई थी मैं, तो ये नमकीन जो है ना थोड़ा खट्टे मीठी वाली आ गई इसलिए मैं कम ही डाल रही हूँ इनको थोड़ा, और जोशी जी में तो कमी डालूंगी क्योंकि कहीं बोलेंगे कि ये खट्टी मीठी वाली नमकीन है अगर के। तो हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं, बन गया नाश्ता और पोहा। कितनी देर में बस जी आ जाओ आप भी नाश्ता करने के लिए और थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि पेट पूजा ज़रूरी है, अगर पेट खाली हो तो फिर कोई काम होता भी नहीं है और ना ही दिमाग चलता है, दिमाग भी ठप हो जाता है एकदम से, तो पेट भरा हुआ ज़रूर होना चाहिए। तो बस मैं तो पहले पेट भर लूँ भैया और नाश्ता कर लेती हूँ, आप लोग भी आ जाओ। और हम दोनों जने कर रहे हैं और जोशी जी को जो है ना कैमरे में ज़्यादा आना अच्छा नहीं, पसंद नहीं है तो इसलिए उनको मैं ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ। बस उसके बाद ये सारा झाड़ा झूड़ा फिर कर रही हूँ अपना और चद्दर उद्दर बिछा लूँगी अच्छे से
और उस दिन से जो है ना खिड़की में पेंट वेंट नहीं हो रखा था, वो पर्दे वर्दे नहीं हटा रखे थे और ये कूलर भी नहीं हटाया हुआ था, तो इस वजह से मैंने चादर भी नहीं बिछाई हुई थी। तो पेंट तो खैर अभी नहीं हो रखा है, पेंट करूँगी बाद में, लेकिन फिर भी सारा झाड़ा वगैरह हो गया, खिड़की अच्छे से साफ़ हो गई है एकदम, उसके बाद मैं आप बिछा देती हूँ चादर। तो काफ़ी दिन से अच्छी चादर नहीं बिछाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप बिछा देती हूँ, खिड़की विड़की अच्छे से झाड़ दी है, तो बस अच्छे से चादर उदर बिछा दूँगी। अरे चादर मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम फिट बैठ जाती है, उड़ती नहीं है, और अच्छी सी मोटी चादर है और काफ़ी सस्ती भी है चादर ये, तो मैं ये मार्केट से ही लेके आई थी मैं, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, मोटी सी भी है, मतलब एकदम बैठी रहती है, और जो काफ़ी एक चादरें ऐसी होती है ना उड़ती रहती है पंखे की हवा में, उड़ती रहती हैं और ख़राब हो जाती हैं फिर, तो मैं इस तरह से तकिया के कवर बना दूँगी। इसकी दो तकिया कवर है, एक तकिया पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया है, और ये हमारी ओढ़ने वाली चादर है, तो इस चादर को मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ कि ताकि अच्छा लगता है ना, मतलब एकदम से अलग से दिखती है तो अच्छी नहीं लगती है, तो उस वाले में नहीं आ रही थी, तो मैंने दूसरे तकिए कवर में डाल दिया है, क्योंकि दूसरा तकिया अभी मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं सुखाया था कहाँ डाल दिया करके, तो ऐसी रख दूँगी। तो इस तरह से जो चादर होती है ना उसको इस तरह रख दो तो अच्छी लगती है, मतलब फैली हुई सी नहीं लगती, बस उसके बाद लगा लूँगी पोछा। और ये बन गई हूँ मैं बिल्कुल सोमो पहलवान बन गई हूँ, और आलमारी खिसका रही हूँ, तो जो मतलब जिधर थी है उधर ही लगा रही हूँ इसको, सामने थी तो अच्छी नहीं लग रही थी एकदम से, तो जहाँ पे पहले थी बिल्कुल उधर ही खिसका रही हूँ, तो सूरज है नहीं तो वही करता है, लेकिन कोई नहीं, हम पे बहुत ताकत है बेटे, हम भी खली हैं खली, तो बस खिसका दिया आलमारी, पोछा वोछा लगा दूँगी अच्छे से, थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है, नया सामान कुछ आया नहीं है, तो हमने सोचा पुराने सामान को ही थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके अपनी खुशी जाहिर करें, अपने अपने आप को खुश कर लें मतलब, तो बस साफ़ वूफ कर लिया, पोछा वोछा लग गया, अब मैं पार्किंग साफ़ कर लेती हूँ। चलो जी, सब ये गैलरी वगैरह सब हो गई अच्छे से साफ़, और इतनी धूल मिट्टी होती है ना क्या बता दूँ मैं आपको, और ये किचन भी पूरा हो चुका है साफ़, और जो है पूरा इधर क्लीन अच्छे से बर्तन धो दिया है मैंने, और ये है कमरा, तो ये वाला भी हो गया सारा, हमने आज खिड़की वड़की सब कर दी थी साफ़, सब अच्छे से साफ़ हो गया है, और ये मैं साड़ी में फॉल लगाने के लिए रखा हुआ है मैंने, और ये जो शादी से हमें मिला थे कपड़े वो अभी ऐसे के ऐसे रखे हैं, मैंने अभी ढंग से खोल के देखे ही नहीं है, क्योंकि उस दिन से सफाई में लग चुके हैं हम लोग, और पूरा ये सब हो गया है क्लीन, ये कमरा भी पूरा हो गया, अच्छे से साफ, और इधर आए हम, अब आ गए दूसरे कमरे में, जो कमरा हमने पेंट करा था वो ये वाला कमरा है, और मैंने अब आलमारी ऐसे लगा दिया जैसे पहले ही थी वैसी लगा चुकी हूँ मैं, अभी पर्दे वर्दे कुछ नहीं लगे हुए हैं, और ये पेंट है हमारा फाइनल, अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी खुला खुला भी लग रहा है कमरा, और कुछ इस तरह से लगा दी हमने ये फ़ोटो है अभी, और अभी घड़ी के वो साइड वाले नहीं लगाए हैं, वो लगाएगा सूरज, वो अभी फ़िलहाल नहीं है, गया हुआ है, तो इस वजह से नहीं लगा पाया, और खिड़की विड़की सब कर दी हमने आज, कूलर वगैरह सब हटा दिया है अच्छे से, और आज मैंने अच्छे से सफाई कर दी है, सब बिस्तर सा झाड़ दिया, खिड़की अच्छे से साफ़ कर दी है ना, तो फिर मैंने आज ये चादर बिछा दी है ये वाली, तो बस ये है फाइनल कमरे का लुक, कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना, और ये पेंट ये ना जो हमने ये डिज़ाइन बनाया बस मैंने इतना ही बनाया है ये, क्योंकि सफ़ेद पेंट जो है ख़त्म हो चुका था, और फिर ऊपर सोचा कि अभी सीनरी वगैरह आ जाएंगी तो ऊपर क्या लगाना हुआ, तो इतना ही लगाया है मैंने अभी, और ये देखो काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब पेंट ऐसा नहीं है कि जिस तरह से मतलब हम लोगों ने करा तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा पेंट हो चुका है, और कमरा काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुला खुला भी लग रहा है और अच्छा लग रहा है, मतलब ये देखो, और ये मैं दिख रही हूँ सामने, तो बस अब सारा काम हो चुका है, और सब पार्किंग भी हो गई है साफ अच्छे से हो गया है, ऊपर सारा क्लीन कर लिया था, सोफे वोफे अच्छे से रख दिए हैं, और ऊपर भी कर दिया है, वो ऊपर का मैं अभी आप लोगों को अब दिखाऊंगी, ये फ़िलहाल सब कुछ हो चुका है,
तो बस अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए और अब नहा लेती हूँ, थोड़ा काफ़ी गंदा भी लग रहा है और टाइम भी बहुत हो चुका है, तो मैं नहा धो लेती हूँ। थोड़ा सा देर आराम करना भी ज़रूरी होता है, मतलब अब थकान बहुत ज़्यादा लग रही है और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, पता नहीं है दिवाली के टाइम में इतना काम क्यों होता है। रोज़ ही सफाई करते हैं हम लोग, रोज़ मतलब ऐसे झाड़ू पोछा झाड़ना वाड़ना सब होता ही रहता है, लेकिन दिवाली में पता नहीं क्यों इतना ऐसा हो जाता है, इतनी गंदगी हो जाती है, समझ में नहीं आता है। बहुत थकान हो गई है, बहुत दिन से लगे हुए हैं हम, बहुत दिन हो गए, मतलब हमको मुझे कम से कम लगातार एक हफ्ता हो गया मुझे करते 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 सफाई, बहुत बुरा हालत हो गई है बहुत ज़्यादा। लेकिन आज थोड़ा सा आज लग रहा है कि मतलब सफाई हो गई, अभी एक दिन और है मेरे अच्छे से, थोड़ा सा एक जाली वाली के दरवाजे सब धोने हैं, अभी एक दिन और है मेरा अभी काम थोड़ा ज़्यादा, तो वो जब सूरज आ जाएगा वो मैं तभी करूँगी, धोना धाने का ना काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो चलो अब मैं नहा लेती हूँ, दिख रहा है, चल 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 पाँव तो छूले, थोड़ी दक्षिणा ही दे, ये तीनों के तीनों जा रहे हैं, जा पैसे ऐसे कुछ नहीं, पैसे नहीं है ना, पैसे नहीं देती। कहाँ जा रहे तुम लोग? अरे तुम ना, तीन जने जा रहे हैं एक बाइक में, तुम ना कम बोला कर जरा, अभी और जाओगे अभी, सूरज बैक साइड में ले लेना, बैग इधर ले ले आगे, तो मुझे याद नहीं था ना ये भी आ रहा करके, स्कूटी ले आनी थी। हाँ चलो आराम से, मेरा बैग है वो, एक और है मेरी, नहीं आ पाएगा वो तो, कहाँ बैठ रहा बेचारा, छोड़ छोड़ भैया, तो ढंग सड़क ऐसी हो रही है, ढंग से चलाना, तू बैग उसको दे दे, कहीं आगे आ जाए, ढुक गया क्या है, चल ठीक है, हाँ फोन मुझे अभी नंबर देना, दोनों उसका भी देना, राज का भी, हाँ कभी मिलता नहीं है ना तो एक दूसरे का मिल जाएगा, चलो काम पूरा कर जाए, चल।